ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला दंडाधिकारी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किए हैं। आदेशानुसार ऐसे सभी प्रवासी श्रमिकों पर लगाम लगाना जरूरी है जो संबंधित पुलिस स्टेशन से अपने चरित्र सत्यापन करवाए बिना व उनसे आईडी कार्ड लिए बिना अपनी आजीविका कमाने के लिए जिला हमीरपुर में छोटे मोटे व्यवसाय में कार्यरत हैं, ताकि समाज विरोधी तत्व नौकरी पाने की आड़ में जिला के नागरिकों को नुकसान न पहुंचा सके। जिला दंडाधिकारी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किए हैं। आदेशानुसार ऐसे सभी प्रवासी श्रमिकों पर लगाम लगाना जरूरी है जो संबंधित पुलिस स्टेशन से अपने चरित्र सत्यापन करवाए बिना वो उनसे आईडी कार्ड लिए बिना अपने आजीविका कमाने को लेकर जिला हमीरपुर में छोटे मोटे व्यवसायों में कार्यरत है, ताकि समाज विरोधी तत्व नौकरी पाने की आड़ में जिला के नागरिकों को नुकसान न पहुँचा सके। आदेश के अनुसार बहुत से गैर हिमाचली अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से, जैसे रेहड़ी फेहड़ी वाले, शॉल बेचने वाले तथा ठेकेदारों के पास विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे कार्यों में मजदूरी करने के लिए जिला हमीरपुर में रह रहे हैं। इनमें से कुछ एक प्रवासी श्रमिक गंभीर अपराधों को अंजाम देकर चले जाते हैं। ऐसे छोटे मोटे काम धंधों में लगे ये प्रवासी श्रमिक संबंधित पुलिस स्टेशन में अपने चरित्र का सत्यापन नहीं करवाते हैं, जिससे पुलिस को ऐसे अपराधियों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि ऐसे सभी प्रवासी श्रमिकों को जिला में आते ही संबंधित पुलिस स्टेशन में जहाँ पर किसी व्यवसाय में कार्यरत हों, अपने चरित्र का सत्यापन करवाना अति आवश्यक होगा, ताकि जिला में तथा लोक सुरक्षा व सरकारी संपत्ति को भी किसी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके। आदेश के अनुसार कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार, व्यापारी जिला हमीरपुर में आजीविका के साधन कमाने के उद्देश्य से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को तब तक अपनी दुकान, प्रतिष्ठान में काम पर नहीं लगाएंगे जब तक वे संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा सत्यापित कर जारी किया गया आईडी, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र उन्हें नहीं प्रस्तुत करते। आदेश की अवहेलना करने वाले ऐसे प्रवासी श्रमिकों को उनके नियोक्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 60 दिन के 1 दिसंबर 2019 तक लागू रहेंगे।